जयपुर में एटीएस के एएसपी आशीष प्रभाकर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। सुसाइड करने से पहले आशीष प्रभाकर ने अपनी महिला मित्र की सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। जयपुर में जगतपुरा रोड पर बॉम्बे अस्पताल के सामने कार में दोनों के शव मिले हैं। कार से मिले सुसाइड नोट में एएसपी आशीष ने लिखा है कि महिला मित्र ब्लैकमेल कर रही थी। अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए आशीष ने लिखा है कि वो गलत रास्ते पर चले गए थे। बीती शाम करीब 5:30 बजे एएसपी आशीष ऑफिस से निकले थे और अपनी महिला मित्र के साथ घूम रहे थे। रात करीब 8 बजे उन्होंने कंट्रोल रूम को फोन कर ये बताया कि जगतपुरा रोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई है। इसके साथ एएसपी को फोन किया और कुछ देर बाद सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि आशीष कुछ समय से घरेलू विवाद के चलते तनाव में थे और उनकी पत्नी अनीता भी मायके में रह रही थी। और आपको बता दें, जयपुर के एटीएस के एएसपी आशीष प्रभाकर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है और कार से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए लिखा है कि वो गलत रास्ते पर चले गए थे। आपको बता दें, बीती शाम करीब 5:30 बजे एएसपी आशीष ऑफिस से निकले थे और अपनी महिला मित्र के साथ घूम रहे थे। रात करीब 8 बजे उन्होंने कंट्रोल रूम को फोन कर बताया कि जगतपुरा रोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई है। इसके साथ ही एएसपी को फोन भी किया।